स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का, और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब हम करने जा रहे हैं, सॉरी, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में किया था, और आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं। तो ये होता है टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। ठीक है, क्या होता है टेंडेंसी ऑफ एनी एटम? टेंडेंसी कह रहे हैं ताकत को, पार को, कि किसी एक एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानब अट्रैक्ट करने की ताकत। अब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर ये है कि आप एग्जांपल लें जरा, कि अगर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास कंपाउंड है H, हमारे पास एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है H2। अब H के पास होता है जस्ट वन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है इसके पास? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ ये इक्वल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसने शेयर किया है, आप उसको एक वक्त में दोनों के पास काउंट करोगे, इस वाले के पास भी और इस वाले के पास भी। अगर आप इसको इसके पास काउंट करोगे तो इसका डुप्लेट कंप्लीट है, और अगर इधर करोगे तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसको आपस में एटम शेयर करने के बाद अपना ऑक्टेट, अपना डुप्लेट, अपना ऑक्टेट या अपने आप को स्टेबल करते हैं, वो क्या कहलाता है? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम का इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब अट्रैक्ट करना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम सबसे पहले आते हैं एटम की नेचर के बारे में। तो एटम्स मॉलिक्यूल्स हमारे पास अब दो तरह के हो सकते हैं। नंबर एक आ जाएगा होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा आ जाएगा हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमोटॉमिक में क्या होता है? होमो में मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ सेम एटम्स, तो हैविंग नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, क्योंकि दोनों की ताकत एक जैसी है, दोनों एटम एक जैसे है, दोनों की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत क्या होगी? एक जैसी होगी। इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, और इस वजह से क्या होगा कि दोनों एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या होगी? इक्वल होगी। लेकिन अगर हमारे पास होंगे होमो हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल, अब हेटरोटॉमिक में क्या होगा? एटम्स यहाँ पे डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट एटम कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वली शेयर्ड। देखे जरा, अगर हमारे पास ये एग्जांपल है, आप देख लो कि फर्ज कर लो कि हमारे पास ये पड़ा हुआ है HF। अब H में क्या है? इसका साइज स्मॉल है, F का साइज स्मॉल है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? लार्ज है। इसने क्या काम करना है? इलेक्ट्रॉन पेयर को मजबूती से अपनी जानब पर अट्रैक्ट करना है। जब अट्रैक्ट करेगा तो ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गली देन अदर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, वो ज्यादा ताकतवर होगा, वो दूसरे एटम की नस्बत इलेक्ट्रॉन पेयर को मजबूती से अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा पार के साथ उसको अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि पॉली ने क्या किया था? पॉली ने दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देख लेते हैं तो वो जो फ्लोरीन है इसकी बराबर किस चीज के हो जाएगी? इसकी फ्लोरीन की वैल्यू बराबर होती है 4.0। किसकी? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर आ जाएगी 4.0 के। अब इसके हम इसका ट्रेंड की बात करेंगे तो हमने ये देख लेना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, ये जस्ट अट्रैक्शन होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब इसके बाद हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं, तो इसका ट्रेंड सबसे पहले देख लेते हैं पीरियड में, और उसके बाद हम आ जाएंगे ग्रुप की जानब। पीरियड में होता क्या है? पीरियड में ये होता है कि साइज जब हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, अगर हम मूव करेंगे लेफ्ट से राइट तो साइज क्या करेगा? साइज एटम का डिक्रीज करता जाएगा। ठीक होगी बात। और जब एटम का साइज डिक्रीज करता जाएगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? उसकी पहले हमने बात कर ली हुई है
कि एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा, शेल कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली सॉरी अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता जाएगा, एटम का साइज सुकड़ता जाएगा, ठीक होगी बात, और इस वजह से साइज क्या करेगा वो डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं पीरियड ग्रुप को तो ग्रुप में साइज इंक्रीज करता है, और साइज इंक्रीज अब क्यों करता है, ये साइज इसलिए इंक्रीज करता है, यहां पे हम बात कर देते हैं एडिशन ऑफ शेल की, के हर एटम के बाद आप बात करोगे लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटाशियम है, तो यहाँ पे इसके पास दो शेल होंगे, इसके पास तीन होंगे, इसके पास चार होंगे, या आप बात करोगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की, तो हर एटम के बाद साइज क्या होगा उसका बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि उसके वहां पे एक्स्ट्रा शेल ऐड होगा, बात समझागी ना, और जब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता जाएगा, कमी होती जाएगी, सही होगी बात। तो ये तो अभी हमने किया है, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि होमोटॉमिक मॉलिक्यूल में कैसे वेरी करता है, हेटरोटॉमिक में कैसे वेरी करता है, उसके बाद हमने देखा कि ग्रुप पीरियड में कैसे ये चलेगी, कम होगी या ज्यादा होगी, ग्रुप में कम होगी या ज्यादा होगी, ये कैसे होगा उसको हमने डिस्कस किया है। अब हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम स्टडी क्यों करते हैं, तो उसकी वजह ये वाली है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें पता होगा तो हम बॉन्ड डिसाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम बॉन्ड के बारे में बता सकते हैं कि बॉन्ड क्या हो सकता है, वो आयनिक हो सकता है या बॉन्ड कोवलेंट हो सकता है, कोवलेंट में भी आगे दो टाइप आ जाएंगी, नंबर एक आ जाएगा ये हो सकता है पोलर, और उसके बाद कौन सा हो सकता है नॉन पोलर, कौन कौन सा हो सकता है पोलर और नॉन पोलर। अब हम पहले देख लेते हैं कि हम आयनिक बॉन्डिंग को कैसे डिसाइड करेंगे, कोवलेंट को कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 या इससे ज्यादा का है, अगर दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 या उससे ज्यादा का है, हम फिर ये कर देंगे कि ये जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, आयनिक होगा, क्या होगा, आयनिक होगा, इक्वल टू या इससे ग्रेटर होगा तो बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक होगा, और इसके बाद अगर ये डिफरेंट 1.7 से कम होगा, इस 1.7 से अगर कम होगा तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोवलेंट, बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोवलेंट। अब आगे कोवलेंट दो तरह का है, नंबर एक पे आ जाएगा पोलर और उसके बाद कौन सा आ जाएगा नॉन पोलर, कौन कौन सा आ जाएगा, एक हमने कह दिया है कि ये आ जाएगा पोलर और दूसरे के बारे हमने कर दिया है नॉन पोलर। पोलर कहाँ पे होगा कि जब डिफरेंस तो होगा, ठीक है, अगर इफ डिफरेंस, अगर डिफरेंस होगा चाहे वो 1.7 से कम होगा तो कोवलेंट है, डिफरेंस होना चाहिए वो 0.1 का, 0.2 का, 0.3 का, 0.4 का, 0.5 का, 1.6 तक कुछ भी हो सकता है, फिर वो क्या होगा, पोलर होगा। और अगर ये डिफरेंस ना हो, नो एनी डिफरेंस, क्या होगा, नो एनी डिफरेंस, फिर ये क्या होगा, नॉन पोलर में चला जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है कि इसकी जो एप्लीकेशन सबसे बड़ी हम ये देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से कि बॉन्ड की नेचर कौन सी है, वो आयनिक है या वो पोलर है, बात समझागी ना, या कोवलेंट है। और इसके बाद नंबर दो पे हम फिजिकल फिनोमिना को स्टडी कर सकते हैं, क्या सकता है, फिजिकल फिनोमिना को। अब ये फिजिकल फिनोमिना हम कैसे डिस्कस करेंगे, हम इसकी मदद से ये देखेंगे कि अगर दो एटम दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है फिर इट मींस कि वो क्या हो गया, वो वाला पोलर हो गया, तो पोलर के दरमियान जब डाइपोल डाइपोल फोर्स आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने की वजह से या डाइपोल डाइपोल फोर्स अट्रैक्शन के आने की वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सॉरी उसके क्या हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर ये ना हो तो उसका क्या होगा, कम होगा। तो ये इसकी एप्लीकेशन, इसकी मदद से हम क्या कहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से हम ये दो पैरामीटर को स्टडी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग को। अल्लाह हाफिज़।